दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 12 साल लीप के बाद नए सितारों की एंट्री के साथ फर्स्ट एपिसोड को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद पब्लिक ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी भी इस शो के फर्स्ट एपिसोड को देखकर अपना अपना अलग अलग रिएक्शन जारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि टीवी जगत के जाने माने सितारे भी ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के लीप के बाद फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद अपने रिएक्शन के साथ पब्लिक के सामने आए हैं, जो कि काफी चौंका देने वाला है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी सितारों ने आखिरकार इस सीरियल के फर्स्ट एपिसोड को देखकर किस तरह का रिएक्शन मीडिया को दिया है, यही हम बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हीं स्टार्स के रिएक्शन के बारे में जानते हैं। नंबर एक, कृतिका सेंगर। दोस्तों, लीप के बाद जब अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने रिश्ता क्या कहलाता है क्या फर्स्ट एपिसोड देखा, तब से ये थोड़ी बेचैन हो गई हैं। जी हाँ, इन्हें अक्षरा के किरदार में दिखाई देने वाली अभिनेत्री प्रणाली राठौर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि प्रणाली राठौर बिल्कुल भी अक्षरा के किरदार में हिना खान जैसी एक्टिंग तो नहीं कर पा रही है। इसीलिए इन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि प्रणाली राठौर की वजह से ये शो कहीं फ्लॉप ना हो जाए और शो में लगे पैसा डूब ना जाए, इन्हें तो इसी बात की चिंता है। नंबर दो, शिवांगी जोशी। अभिनेत्री शिवांगी जोशी अपने 5 साल के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीप के बाद फर्स्ट एपिसोड को देखकर बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि इस एपिसोड को देखकर इन्हें अपना टाइम याद आ गया था। जी हाँ, इन्होंने रोते रोते ये रिएक्शन दिया कि अभिनेत्री प्रणाली राठौर और करिश्मा सावंत को ये बहनों के रूप में देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि क्रांची सिंह और इन्होंने भी बहनों का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब सारा प्यार बटोरा था और ये भी आगे चलकर इनकी तरह मीडिया और फैन से खूब सारा प्यार बटोरेंगी। नंबर थ्री, अंकित गुप्ता। जी हाँ, उड्डारिया सीरियल के अभिनेता अंकित गुप्ता ने भी रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को देखकर अपना रिएक्शन पब्लिक में जारी किया, जहां पर इन्होंने कहा इस शो को पिछले काफी लंबे समय से ये देख रहे हैं, जिसमें इन्हें अब तक कार्तिक और नायरा का किरदार बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब इन्हें आरोही और अक्षरा का किरदार भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ही एपिसोड में करिश्मा सावंत और प्रणाली राठौर ने अपने एक्टिंग के जरिए इस शो की लाज रख ली है और ये पक्का कुछ ही दिनों में दर्शकों की फेवरेट हो जाएंगी। नंबर फोर, मौसम खान। लीप के बाद रिश्ता क्या कहलाता है के फर्स्ट एपिसोड को देखकर मौसम खान ने भी एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया, जहां पर इन्होंने अभिमन्यु के किरदार में इन्हें हर्षद चोपड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके जमाई के किरदार में वो इनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से निभाएंगे और वो भी दर्शकों के नंबर वन फेवरेट कहलाएंगे इस शो से। हालांकि ये यहां भी नहीं थमे, इन्होंने भी कहा फर्स्ट एपिसोड देखकर पक्का और भी इस सीरियल के और खींचे चले आएंगे, क्योंकि इसमें रिश्तों की कहानियां और भी आगे बढ़ चढ़कर दिखाई जाएगी। नंबर फाइव, गौरव खन्ना। जी हाँ, अनुज कपाड़िया बनकर अभिनेता गौरव खन्ना ने भी इस सीरियल के फर्स्ट एपिसोड को देखकर अपना अच्छा खासा रिएक्शन पब्लिक को दिया, जहां पर इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल लीप के बाद कुछ खास नहीं अच्छा नहीं लगा। इन्हें ये बिल्कुल नहीं लगता कि इस शो में काम करने वाले अब नए कलाकार इस शो को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जैसे करण मेहरा, हिना खान, मौसम खान और शिवांगी जोशी लेकर गए थे। इन्हें अब लग रहा है इस शो की टीआरपी और पॉपुलैरिटी नए स्टार्स की वजह से खतरे में। तो दोस्तों, आपको लीप के बाद रिश्ता क्या कहलाता है का फर्स्ट एपिसोड देखकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी भी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।